हेलो डियर आईसीएआई, रेस्पेक्टेड काउंसिल मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर जेन्युइन डिमांड्स फ्रॉम आईसीएआई फॉर योर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। दोस्तों, लास्ट वीडियो जिस तरीके से आप लोगों ने शेयर किया है और आप लोगों के जबरदस्त रिस्पॉन्स की वजह से आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए, दोस्तों कुछ लोगों के मेरे पास फोन भी आए हैं, बहुत सारे फोन मैं रिसीव नहीं भी कर पाया, लेकिन दोस्तों ये वीडियो उन जेन्युइन डिमांड्स के लिए है जो नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए हम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि मैं नवंबर 2020 एग्जाम को पोस्टपोन करने या कैंसिल करने के खिलाफ नहीं हूं। बस कुछ छोटी छोटी बातें, अगर ये छोटी छोटी बातें अगर हमारी फुलफिल हो जाती है ना, हमारे स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हैं, हमारे नहीं भाई, आईसीएआई के स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं। तो हमारे प्यारे आईसीएआई, द सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी छोटी बातों को पूरा कर दो बस। आप देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नवंबर 19 का एग्जाम वो इसलिए नहीं दे पाए, कई बच्चे छोड़ देते हैं एक दो अटेम्प्ट। मई 2020 में बेचारों ने मन बनाया कि भाई कैसे जैसे एग्जाम देना है, कोरोना आ गया पूरे वर्ल्ड में, कोरोना ने मई 2020 एग्जाम को कल्लास। अब नवंबर 2020 में केसेज बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं, जिन लोगों को मई एग्जाम देना था उनको देना है एग्जाम, और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर 2020 है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर प्लीज इस एग्जाम को एक महीने दो महीने के लिए बढ़वा दो। आईसीएआई आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो कोरोना अभी नहीं जाने वाला, इसके साथ जीना पड़ेगा, घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा, अगर इंस्टीट्यूट एग्जाम लेगा तो भाई जाना भी पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। हम नहीं जानते कि पिछले 5-6 महीने से क्या हो रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पर मुझे नहीं लगता है कि वर्किंग हुई है। दोस्तों बस इतना सा रिक्वेस्ट है यार, नवंबर में एग्जाम ले लो जो बच्चे परेशान है उनका, जो नवंबर वाले हैं थोड़ा सा टाइम चाहिए बस। देखो स्टूडेंट्स की बहुत जेन्युइन डिमांड है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक महीना दो महीना, क्योंकि वो डिस्टर्ब हैं इस चीज से। और इससे एक फायदा और होगा यार, एक फायदा और होगा, भीड़ बट जाएगी, एक साथ जो पूरा रश है ना दो अटेम्प्ट्स का, वो थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। वैसे भी हमने स्टूडेंट्स से फीस तो देखो अलग अलग ली है ना, मई में भी एग्जाम होता या अब नवंबर में भी होगा, तो दो फेज में हो जाए, दो अलग अलग पार्ट्स में हो जाए, कोई बुराई नहीं है। नवंबर वाला जो बच्चा है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर उसका एग्जाम आप एक महीने दो महीने बाद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी पहली जेन्युइन डिमांड है। दूसरी बात, सेफ्टी, हर स्टूडेंट हर पेरेंट सेफ्टी चाहता है, एग्जाम देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें सेफ्टी चाहिए, हमें गाइडलाइंस चाहिए, हमें डिटेल्ड गाइडलाइंस चाहिए। डिटेल्ड गाइडलाइंस का मतलब समझते हैं दोस्तों, हमें बता दो भाई कि एक जने के कोरोना हो गया, उसे दूसरे पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, तीसरे पेपर में हो गया तो नहीं बैठने दिया जाएगा, तो भाई उसका क्या होगा? उसने मेहनत करी, कई किलोमीटर दूर से आया, रिस्क में एग्जाम देने आया, उसका क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूं डियर आईसीएआई, उसके लिए गाइडलाइन दो ना भाई, कि हाँ एग्जम्पशन दे देंगे, चार पेपर नहीं देने पड़ेंगे। ये क्या है भाई, ये ऐसी सिचुएशन में ये कंडीशन आपको लगता है लॉजिकल है? कमेंट करके बताइए मुझे, आपको लगता है दोस्तों, क्या इस पर डिटेल्ड गाइडलाइन नहीं आनी चाहिए? बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हैं ये, मेरे पास मुंबई से काफी बच्चों के फोन आए हैं। मुंबई में एक कौन सा इलाका है, देखो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उस बच्चे ने मुझे ये कहा सर मेरी सोसाइटी में 10 केसेस हैं, अब हमारी सोसाइटी को ये लोग क्या कर देंगे,
उसको वो क्या कंटेनमेंट जोन बना देंगे, अब हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों एक बात बताओ, लास्ट सिचुएशन में जाकर क्या एग्जाम सेंटर को बदलने का ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए? दिस इज अ जेन्युइन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। छोटी छोटी बातें, एग्जाम लेना है लो यार, लो एग्जाम लो आप। एग्जाम सेंटर बदलने के लिए करेक्शन विंडो थोड़े ओपन कर दो यार, लास्ट तक पता नहीं है ना किसका कौन सा जोन क्या बन जाएगा। किसी एग्जाम सेंटर पर प्रॉब्लम होगी तो क्या दूसरा एग्जाम सेंटर आप बनाओगे? इस पर कोई गाइडलाइन दो भाई। अरे हम कहते हैं बच्चों से, पेरेंट्स से पूछो, मैंने भी बोला लास्ट वीडियो में, पेरेंट्स से पूछो, घर में पूछो, सही बात है, लेकिन घर में पूछो, पेरेंट्स से पूछो, उससे पहले गाइडलाइन तो चाहिए ना। किस बेस पर पूछे हम कि मैं एग्जाम देने जाऊं या नहीं देने जाऊं? मन में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका जवाब कौन देगा भाई? सो डियर रेस्पेक्टेड काउंसिल मेंबर्स, डियर ICAI, हाथ जोड़कर निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों के हित में। देखो पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम बच्चों को परेशान कर रहे हैं, हम उनको पढ़ाई से डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, हम क्यों डाइवर्ट करेंगे बच्चों को? हमारे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, हमारे पास फोन आते हैं, हमको उनका दुख दर्द झलकता है भाई। हमें क्यों एक्सटर्नल एजेंसीज के पास जाना पड़ता है, हमें क्यों कोर्ट में जाना पड़ता है? ये हमारा ICAI है, हम स्टूडेंट्स और मेंबर्स का ICAI है। हमें अपनी बात हमारे घर में रखनी होगी, हमें गाइडलाइंस चाहिए, डिटेल्ड गाइडलाइंस जिसमें एक एक पॉइंट कवर होना चाहिए। किसी बच्चे को कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसको स्टूडेंट को क्या रिलीफ मिलेगा ICAI से, उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या होंगी, उसका अगर एक एग्जाम पेपर नहीं हो पाया, टेम्परेचर ज्यादा है, कोविड नहीं है, तो उसका क्या करेंगे हम, कैसे हम उसको एग्जाम में एंटर होने देंगे, क्या हमारे पास अलग से रूम फैसिलिटी होगी ऐसे बच्चों के लिए? गाइडलाइंस चाहिए भाई, डिटेल्ड गाइडलाइंस दे दो ना, दे दो, कहां दिक्कत है। एक जेन्युइन डिमांड आती है IPCC के ओल्ड स्टूडेंट्स की, हजारों मैसेज आए हैं मेरे पास IPCC ओल्ड स्टूडेंट्स के, सर हमारा एग्जाम लास्ट है नवंबर, मुझे पूरा विश्वास है ICAI पर, ये तो बहुत ही जबरदस्त जेन्युइन डिमांड है भाई, एक अटेम्प्ट बढ़ा दो, बस एक अटेम्प्ट और बढ़ा दो इन बच्चों के लिए, और मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, ये होना चाहिए। और IPCC ओल्ड और फाइनल ओल्ड स्टूडेंट्स का डियर मैंने एक गिफ्ट कोर्स अनाउंस कर रखा है, दिस इज ऑलमोस्ट फ्री, यू हैव टू पे ओनली एक्टिवेशन चार्ज, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इन बच्चों को एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए, दिस इज द जेन्युइन डिमांड। मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बताओ भाई, और इस वीडियो को शेयर करो यार मैक्सिमम, ये आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, काउंसिल तक पहुंचनी चाहिए, रेस्पेक्टेड काउंसिल तक। मेरे पास चार बच्चों के मैसेज आए हैं, दो बच्चों के फोन आए हैं ओवरसीज, जो नेपाल और दूसरी कंट्रीज में एग्जाम होने जा रहा है, वहां पर सेंटर्स की संख्या कम है। बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, कल भी व्हाट्सएप पर एक बच्चे का बहुत डिटेल्ड मैसेज था, वहां क्या प्रॉब्लम है, वहां एग्जाम सेंटर कम है, तो भाई उनको बढ़ाना चाहिए। ये कोरोना महामारी है भाई, कोरोना महामारी, बच्चों का एग्जाम लो देना चाहते हैं भाई, कोई बच्चा नहीं चाहता कि मेरा एग्जाम ना हो, बस सेफ्टी पहले है, सेफ्टी पहले है यार। और नवंबर वालों को थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, थोड़ा सा, एक महीना दो महीना बस, भीड़ कम हो जाएगी थोड़ा, वो जो गैदरिंग है, हमने सेंटर बढ़ा दिए भाई, बच्चों की संख्या भी तो बढ़ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस ये छोटी छोटी बातें। इंस्टीट्यूट रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे प्यारे ICAI, प्लीज इन बातों पर गौर करो और जल्दी से गाइडलाइंस दे दो, जल्दी से, ताकि हम भी अपने पेरेंट्स से बात करें, घर पे बात करें, एग्जाम के बारे में सोचें, जो भी करना है करें, और इन सब चीजों से पीछा छूटे भाई, पढ़ाई करनी है, अब 20-25 दिन बचे हैं, अभी भी गाइडलाइन नहीं आएगी क्या?
दोस्तों शेयर करिएगा इस वीडियो को, मैक्सिमम शेयर करिएगा, दूर दूर तक पहुंचाइए इसको, यह आवाज पहुंचनी चाहिए। और कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक करिए, जितने कर सकते हैं लाइक ठोको इसके ऊपर, जब ही पता चलेगा कि ये बच्चों की जेन्युइन डिमांड्स हैं। लास्ट में डियर दो लाइन कहना चाहूंगा उन बच्चों को जो डीमोटिवेट होते हैं। कुछ बच्चों ने मैसेज किया, सर आपने डीमोटिवेट कर दिया। अरे मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा, सुन लो जाते जाते। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अरे चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमी बंजर भी है तो क्या, अरे जमी बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा, पानी जरूर निकलेगा। थैंक यू सो मच। वेट कर रहे हैं भाई, प्लीज कर दो, प्लीज कर दो, जल्दी से गाइडलाइंस दे दो भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूंगा यार, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स।